हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं बाबा बलोटू जी के दर्शन करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो चलिए, आपको भी हम अपने साथ इस सफ़र में लेके चलते हैं। ऐसे तो आप मंदिर में किसी भी दिन जा सकते हैं, पर गुरुवार का दिन देवताओं का दिन माना जाता है, इसलिए हम गुरुवार को बाबा बलोटू जी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय बाबा बलोटू जी। ये है बाबा बलोटू जी का मंदिर। यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। चलिए तो अब हम अंदर चलते हैं प्रभु के दर्शन करने। बासु को बेल बजानी थी, इसलिए उसने नानू जी को बोला कि मुझे बेल बजाने में हेल्प कीजिए। उसे ये सब बहुत पसंद है। मंदिर की सीढ़ियों में इस तरह से लोगों के नाम लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने इसमें दान किया है, उनके नाम इस तरह से लिखे हुए हैं। ये मंदिर काफी ऊंचाई पे है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे ये तुलसी का पौधा भी लगाया हुआ है। जय बाबा बलोटू जी। मंदिर के पास ही बरगद के पेड़ के नीचे ये बाबा जी की पुरानी स्थापना है। यहाँ पे भी माथा टेका जाता है। दर्शन के बाद मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। मंदिर काफी ऊंचाई पे है, यहाँ से नीचे की हर चीज काफी खूबसूरत लगती है। कहा जाता है कि बाबा बलोटू में सच्चे मन से आप जो भी मांगते हैं, प्रभु आपकी वो हर इच्छा पूरी करते हैं। और जब लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, तो वो यहाँ पे दान देते हैं और उसी दान से इस मंदिर का हर कार्य पूरा किया जाता है। जैसे कि ये स्टोर रूम बनाया हुआ है और ये आगे चल के एक पानी की टंकी बनाई हुई है। जो भी लोग दान देते हैं, उनसे ये सब काम करवाए जाते हैं। पीने के पानी की अच्छी सुविधा है यहाँ, ताकि आने वाले सभी भक्तों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। दर्शन के बाद प्रसाद का आनंद लिया जाता है, जो कि बहुत ही स्वाद होता है। ये मंदिर का पुराना रास्ता है, जो कि सीढ़ियों द्वारा बनाया गया है। मंदिर के ये अद्भुत नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ से हमारे घर भी दिखते हैं। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। बाबा बलोटू जी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय बाबा बलोटू जी। ऐसे और नए सफ़र के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।